Welcome to the brand new movie review capsule of India News Press. I'm your host and dost, Mast Mala. और आज जिस मूवी को हम रिव्यू करने वाले हैं वो है इरफान खान की मच अवेटेड फिल्म ब्लैकमेल. आज एक जोक सुनाता हूँ. एक पति अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए जल्दी घर पहुँच जाता है. क्या होता है जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बेडरूम में उसके बॉयफ्रेंड को देख ले तो? जनरली सिचुएशन दो ही तरह की बनती है, या तो हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर कर देगा या फिर अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देगा. लेकिन इस फिल्म में निकल कर आई है एक तीसरी सिचुएशन, जब हस्बैंड वाइफ के बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा. एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड ब्लैकमेल. आइए बात करते हैं अब इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में. फिल्म के प्रोटैगनिस्ट यानी फिल्म के हीरो हैं इरफान खान, जो कि हैं देव कौशल की भूमिका में. कीर्ति कुल्हारी बनी है उनकी वाइफ, जिनका नाम है रीना इस फिल्म में, और रीना के बॉयफ्रेंड हैं अरुणोदय सिंह यानी रंजीत अरोड़ा. इन तीनों का फिल्म में रोल काफ़ी बेहतरीन रहा, और इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में दिव्या दत्ता का काम भी अच्छा रहा. 1,20,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक के बारे में. अगर फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करें तो अगेन सिचुएशनल म्यूजिक था, और मसाला फिल्मों में जिस तरह से फिल्म के म्यूजिक के जरिए मसाले डाले जाते हैं वैसा इस फिल्म में भी रहा. इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर का आइटम सॉन्ग था, और उसके अलावा एंड में एक म्यूजिकल ट्विस्ट और एक म्यूजिकल एंडिंग देते हुए गुरु रंधावा का गाना काफी अप्रिशिएट किया गया. आइए बात करते हैं इस फिल्म के ट्रीटमेंट को लेकर. इस फिल्म की स्टार्ट एक बेहद एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर की स्टार्ट जैसी होती है, बिल्कुल वैसी ही थी. फिल्म जिस तरह से स्टार्ट होती है देखते ही लगता है कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म सामने आने वाली है. लेकिन जैसे जैसे मूवी का पेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ इंसिडेंट्स तो बढ़ते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली फिल्म का पेस जो है वो नहीं बढ़ता. फिल्म में डायरेक्शन के हिसाब से कुछ ऐसी खामियां हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. जैसे कि शादी के 7 साल बाद हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. लेकिन इन पिछले 7 सालों में हस्बैंड और वाइफ के बीच ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के करीब नहीं आ सके, वो मिसिंग था. हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करता है बावजूद इसके कि उसे पता है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन एंड में हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है. फिल्म को देखने वाले बहुत सारे दर्शकों का भी यही सवाल था कि जब हस्बैंड हर तरीके से अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है तो फिर उसने लास्ट में अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा. मे बी इट इज टिपिकल इंडियन माइंडसेट कि फिल्म का एंड हैप्पी एंडिंग के साथ ही होना चाहिए, जो कि इस फिल्म में नहीं था. देख मुझे 90,000 चाहिए थे. फिल्म अच्छी थी, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था. मैंने सोचा था हैप्पी एंडिंग होगी, और मतलब ब्लैकमेल कर रहा है उसका हस्बैंड उसको हमेशा, लेकिन थोड़ी सी मतलब अनएक्सपेक्टेड निकली लास्ट में. ठीक ठाक है, इरफान खान का एक्टिंग बहुत अच्छा है. अच्छा मूवी में खराब क्या लगा? खराब ये लगा कि लास्ट एंडिंग में जो मुझे समझ में नहीं आया कि उसने अपनी बीवी का नंबर क्यों डिलीट किया. फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है. म्यूजिक अच्छा था और गुरु रंधावा का गाना अच्छा था. आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 3 आई थिंक. इन शॉर्ट इट इज अ वन टाइम वॉच मूवी. इरफान के फैंस इस मूवी को देखकर डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं उन्हें ऐसा लगेगा फिल्म के दौरान कि वो थोड़े से बोर हो रहे हैं. इस फिल्म यानी ब्लैकमेल को मैं देना चाहूंगी 5 में से 3 स्टार्स. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इट इज़ अ वन टाइम वॉच मूवी, और इस हफ्ते के लिए आप इस फिल्म को देखना प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी बाकी स्टोरीज से थोड़ी सी डिफरेंट है, और हस्बैंड वाइफ या फिर कपल्स को ये फिल्म पसंद आ सकती है. इंडिया न्यूज़ प्रेस के मूवी रिव्यू कैप्सूल में आज के लिए बस इतना ही. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.indianewspress.com, या फिर लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल इसी तरह के लेटेस्ट मूवी रिव्यू गॉसिप्स की अपडेट्स के लिए. फिलहाल योर मस्त माला सेज बाय, लेकिन बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात, लेकर आऊँगी एक और नई लेटेस्ट मूवी का रिव्यू. ब्लैकमेल खेलेगा ना.